हिंदी भारत के हर राष्ट्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा भारत के अधिकांश लोग प्रयोग में लाते हैं। नहीं, हम तो पंजाब में रहते हैं, हम तो पंजाबी ही बोलेंगे, पंजाबी हमारी मातृभाषा है। परंतु जब तुम पंजाब से बाहर जाओगे तो तुम्हें पंजाबी नहीं मिलेगी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदी मिलेगी। इससे आपका दूसरों से वार्तालाप करना मुश्किल हो जाएगा। परंतु जो भारत के लोग हैं उनको हिंदी नहीं आती, उनको हिंदी की मात्राओं में बहुत कठिन होती है। हिंदी एक सरल भाषा नहीं है, इसकी मात्राएं सीखने के लिए बहुत परीक्षण करना पड़ता है। जो पंजाब के किसान हैं उनका कायर किसान है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हिंदी सीखे। पर जो उनके बच्चे हैं वो तो विद्यालय जाते हैं, उनको इतनी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। परंतु जो बच्चे हैं उनको भी हिंदी की मात्राओं में बहुत कठिन होता है। पर जब तुम बाहर जाओगे तो आप जब लोगों से बात करोगे तो आपको मुश्किल आएगी, इससे आपको दूसरों से वार्तालाप करने में भी मुश्किल आएगी और आपको हिंदी आनी ही चाहिए। तो फिर क्या हुआ, भारत के अनेक राज्यों में पंजाबी होती है। पंजाबी होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं कि आप बहुत आसानी से कोई भी काम कर सकें। तो फिर क्या हुआ, मैं उनको फोटो दिखाकर उसकी कर सकती हूँ पर हर काम नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो फोटो दिखाकर नहीं किए जा सकते। तो क्या हुआ, तो मैं उनको हाथ लगाकर नहीं कर सकती। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर आप कहीं और जाओगे, कर्नाटक में जाओगे, तो आप हिंदी आपको पंजाबी नहीं मिलेगी, वहाँ पर सिर्फ हिंदी मिलेगी। आप हर चीज़ को हाथ लगाकर नहीं बता सकते। परंतु जो पंजाब के लोग हैं उनको हिंदी में बहुत कठिन होती है। इन शब्दों के साथ हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो हिंदी आनी ही चाहिए।